नमस्कार, मैं सोनाली सगोत्रा, आप देख रहे हैं इनसाइड न्यूज अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज के न्यूज बुलेटिन पर। भारत में हर 10 साल में से एक आदमी को कैंसर का खतरा, 15 में से एक मरीज की होगी मौत। कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इसी मौके पर 2 ग्लोबल रिपोर्ट जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोगों ने बजट को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की तो लेकिन जनता समझ गई कि बजट अच्छा है। आंतकी नवीन से संपर्क पर पूरे विधायक रशीद में से होगी पूछताछ। पूंछ के लोगों ने आज आए बिजली के बिल का अमाउंट ज्यादा होने के कारण किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां गरीब लोग रहते हैं, एसी कूलर फ्रिज जैसी चीजें यूज नहीं करते, फिर भी बिल ज्यादा आने के कारण हुए परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन। यहां पे जो देखिए, ये हमारे पास जो बिल है, जो पिछले महीने 2 महीना पहले तक 116 रुपए महीना बिल आता था, ये बॉर्डर के लोगों के बिल है, जो LOC के ऊपर रहते हैं, हिंदुस्तान की बॉर्डर के लास्ट में जो खड़े रहते हैं उनके ये बिल है 116 रुपए। चीन के सेंटर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल ए प्रिवेशन ने माना है कि कोरोना के वायरस करीब 2 दर्जन देशों में फैल चुका है। चीन ने अगर ये गलती नहीं की होती तो इतना नहीं फैलता कोरोना वायरस। पाकिस्तानी गोलाबारी से नागरिक की मौत, पूंछ में आतंकी ठिकाना ध्वस्त। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जामिया और शाहीन बाग सहयोग नहीं, सौहार्द खंडित करने का प्रयोग। उदयपुर में चलती कार में अचानक लगी आग, देखते ही देखते कुछ मिनटों में हुई जलकर राख। पुंछ के बॉर्डर इलाकों में जब भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती थी तो वहां के लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना जो है करना पड़ता था, और आज सरकार द्वारा बंकर्स बनाने का कार्य शुरू करवाया ताकि आने वाले दिनों में लोगों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। यही तैनात किया है और मेरी देख रेख में जितने भी बंकर बने हैं वीडियो ऑफिस पुंछ के। भारत और पाकिस्तान के बीच ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला आज होगा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर निर्भया मामले में हस्तक्षेप कर दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की अपील की है। आज के न्यूज बुलेटिन बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।